हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेजेस किचन। आज मैं आपको चीज गार्लिक टोस्ट की रेसिपी बताने जा रही हूँ, जो बिल्कुल क्विक और इजी तरीके से हम बनाएंगे। तो लेट्स सी द इंग्रेडिएंट्स एंड मेथड। अब हम फटाफट से चीज गार्लिक टोस्ट बनाना शुरू करते हैं, जिसमें मैंने ये बन लिए ऐसे, आप ब्रेड भी ले सकते हैं। और मैंने 15 से 20 गार्लिक की जो कलियां होती है वो ली है, मैंने इसमें क्रश कर लिए। आप किसी में भी खलबत्ते में या किसी में क्रश कर सकते हैं। ये चीज है, देन चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो, मिक्स हर्ब एंड बटर। अब मैं बटर को ये यहाँ से ये 2 स्पून लेके यहाँ से देखिए, मैं ये जो है बटर को इसमें डाल के मिक्स करेंगे हम। और मैं एक छोटा स्पून ये ओरिगेनो है, ये ओरिगेनो मैं इसमें डालूंगी। इसका टेस्ट, ये सब हर्ब्स जब हम डालते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया लगता है। तो आप देख सकते हैं मैंने एक छोटी सी स्पून भर के ये ले लिया है। अब ये मिक्स्ड हर्ब है, ये सारे स्मेल और टेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये थोड़ा सा मैंने डाल दिया, देखिए। अब मैं चिली फ्लेक्स डालूंगी। चिली फ्लेक्स से एकदम स्पाइसी भी लगेगा और कलर भी बहुत बढ़िया आता है। ये मैं रख दूंगी और इसको हम इसे मिक्स करेंगे इस तरह से, देखिए। ये जो मैं बना रही हूँ, ये गार्लिक की जो पेस्ट है, गार्लिक बटर के लिए साथ, इसको हम बना के फ्रीज में भी रख सकते हैं, जो काफी 8 दिन 10 दिन तक ये ऐसे ही रहती है डिब्बे में, अगर भर के रखेंगे तो फ्रीज में। तो मतलब जब भी आपको बनाना, फटाफट से बनाना हो, आप ये इसको निकाल के बना सकते। देखो ये मेरा रेडी हो गया है। अब इसको कुछ नहीं करना है, अभी मैं इसको इस तरह से ब्रेड पे लगा दूंगी। फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने ये जो गार्लिक की पेस्ट बनाई थी चीज गार्लिक बटर की, और वो मैंने अभी सब पे स्प्रेड कर दी है। अब मैं इस पे चीज ग्रेट करूंगी। इसके लिए मैं ये ग्रेटर ले रही हूँ। इसके देखिए, अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा ऑयल लगा देती हूँ। आप भी अगर ऑयल लगा देंगे तो ये कहीं चिपकेगा नहीं, बिकॉज हमारा मेन प्रॉब्लम यही होता है कि चीज चिपक जाती है। अब देखिए मैं इसको इस तरह से ग्रेट कर देती हूँ। सारे ये बन जो है उसमें सब में कर लेती हूँ मैं। आप ना कोई सा टॉपिंग भी रख सकते हो, अगर आपको कोन चाहिए या कैप्सिकम रखने हैं तो इसके ऊपर रख के आप फिर चीज ग्रेट करके आप उसको बना सकते हैं। पर मेरे घर में तो ऐसे प्लेन ही सबको बहुत पसंद है। ये देखिए मैंने चीज ग्रेट कर ली। अब मैं फटाफट से गैस चालू करके इसको टोस्ट कर लेती हूँ। देखिए मैं इसमें 2 चम्मच ऑयल रखूंगी, ताकि नीचे सब में ही, आप घी भी रख सकते हो, बटर घी जो भी आपको पसंद हो, पर ऑयल से थोड़ा क्रिस्पी होता है तो ये बहुत अच्छा लगता है। देखिए मैंने ऐसे रख दिया है। अब थोड़ा सा हमारा ये जो गैस है वो गर्म हो जाएगा, मैं मीडियम के कर लेती हूँ। देखिए ये मैंने ऐसे रख दिया है, और अब मैं इसको थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ। हमको बहुत ये नहीं कड़क करना है, हमको सिर्फ ये चीज मेल्ट हो जाए तब तक इसको रखना है, इसलिए मैं इसको अभी थोड़ा ढक देती हूँ ताकि ये अच्छे से बन जाए। देखो फ्रेंड्स 2 मिनट हो गई है मेरा, ये देखो आप देख सकते हो नीचे से ये एकदम से क्रिस्पी भी हो गया है, और ऊपर से आप देख सकते चीज भी मेल्ट हो गया है थोड़ा, क्योंकि बहुत मेल्ट हो जाएगा तो चिपक जाएगा, इसीलिए ऐसे ही अच्छा लगा। अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल देती हूँ। ये जो हमने बनाया है फ्रेंड्स, इसको हम नाश्ते में भी खा सकते हैं चाय के साथ, या कभी मेहमान गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, हमको ऐसा लगता है क्या बनाए, तो फटाफट से हम इसको बना के सर्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस तरह का सॉस हमारे पास रेडी है तो इसमें इसको बनने में देर भी नहीं लगती। देखो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से चीज गार्लिक टोस्ट बन बने हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपके कमेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।